मित्रों, एआई कितना केपेबल हो सकता है ये एग्जांपल मैं आपको बक बक करके बता रहा हूँ। सिंपल है इस चीज को बनाना और लोगों को मजा भी बड़ा आता है ऐसे एआई कैरेक्टर्स को बोलते हुए देखने में। नहीं, लेकिन आपको पता है इस मतलब मैं सोशल मीडिया चैनल्स बना के एक नई इनकम स्ट्रीम्स को भी जनरेट कर सकता हूँ। तो आओ बताता हूँ इस एनिमेटेड कैरेक्टर को कैसे बनाएं और यूनिक यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल्स में इसे यूज करके कैसे नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो अपने फोन को डालो वाइब्रेशन में, क्योंकि देखो एआई एक ऑटोमेटिक टूल है। अगर आप और ज्यादा अपने कैरेक्टर के साथ खेलना चाहते हैं या कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको मैनुअल जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम तो एआई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम एकदम बिगिनर लेवल वाले हैं। वीडियो के बीच में आपको ये भी पता चल जाएगा इससे कौन से यूनिक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल्स को हम बना सकते हैं, अपने वायरलिटी चांसेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी प्राइस, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी जान लेंगे लगे हाथ। क्यों? हाँ। तो सबसे पहले एक सुंदर सा क्लीन सा पिछवाड़ा ले लो, मतलब बैकग्राउंड। लाइट का सोर्स अपने थोबड़े यानी चेहरे पे मारो, कोशिश करना कि फेस का हर हिस्सा अच्छे से लाइट मार रहा हो। अगर ग्रेडियंट लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। खैर, अब 5 से 10 जो फोटो खींचो और जो सबसे गंदी लगे उसको चूज करके हटा दो, और अच्छी बचे उसमें से सबसे अच्छी चुन के सीधा पहुंचो मिड जर्नी की तरफ। मिड जर्नी एआई पे पहुंचने के बाद कोई भी न्यूबी अकाउंट पे क्लिक कर दो और नीचे देखोगे तो इनपुट बार मिलेगा, वहाँ अपलोड इमेज के आइकन पे क्लिक करो और जो सबसे बढ़िया फोटो हो उसको सिलेक्ट करो और अपलोड करो। अब इस इमेज पे राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो इसका लिंक। अब फिर से इनपुट बॉक्स की तरफ अगर नीचे देखोगे तो वहाँ आपको टाइप करना है /imagine prompt, अपने लिंक को पेस्ट करो जो कॉपी किया था। चाहो तो अपने फेस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और बैकग्राउंड का भी, कि आप कैसे दिखते हो, कितनी आपकी चौड़ी नाक है या कितने बड़े आपके होंठ हैं, आंखें मछली की तरह है या गिद्धी की तरह। मैं अपना दे देता हूँ जो मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं देना या दे दिया है उसके लास्ट में एक मैजिकल प्रॉम्प्ट डालना है, मत भूलना, 8K डिज्नी पिक्सार कैरेक्टर, और कर दो एंटर। अब बहुत सी इमेजेस मिड जर्नी आपको बना के देगा। और हाँ, चिंता मत करना क्योंकि मेरी भी बहुत सी इमेज एक्यूरेट नहीं थी। अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को आप ट्राई करके अपनी एक वर्चुअल सिमेट्रिकल इमेज बना सकते हैं। खैर, आपको खेलना पड़ेगा प्रॉम्प्ट्स के साथ। आप जितना नए नए चीजें ट्राई करेंगे या अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर या आप सही से प्रॉम्प्ट्स देंगे तो एआई आपको एक बेहतर पिक्सार कैरेक्टर बना के देगा आपकी शक्ल का। इसने कुछ मुझे ऐसे एग्जांपल्स दिए, इसको थोड़ा और अपस्केल करके मैं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा, और जैसे ही हो जाएगी तो राइट क्लिक करके इमेज को सेव कर लो। तो अपने पास अब एक कैरेक्टर तैयार है। अब चालू करो अपना फोन, लैपटॉप या पीसी, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो उससे हाई क्वालिटी पे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाना हो। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब क्योंकि हमें कैरेक्टर मिल गया, उसकी आवाज बन गई, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशंस की बारी है और उसके लिप सिंक की बारी है। उसके लिए हम चलते हैं DIDAI की तरफ। जैसे ही वेबसाइट पे आओगे ऊपर फ्री ट्रायल का ऑप्शन चमकता हुआ नजर आएगा, उसको क्लिक मारो। स्टूडियो डैशबोर्ड पे अपन आ गए। अब क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करो और चूज अ प्रेजेंटर के ऑप्शन के नीचे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा भी कई ऑप्शन हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। हम ऐड पे क्लिक करते हैं। जो मिड जर्नी ने कैरेक्टर बना के दिया था उस फोटो को अपलोड कर दो। साइड पे जाओगे तो ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक कर दो और जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड करी थी उसको फ्लिक कर दो, अरे मतलब अपलोड कर दो। बस अब ऊपर जनरेट वीडियो पे क्लिक कर दो और जो चाय पीना भूल गए थे अब उसे पी सकते हो। ठंडी हो गई। वीडियो तैयार हो गया, लेकिन हमने बनाया क्या था एंड में पता चलेगा। अब बात करते हैं हम इसकी प्राइस और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, फॉर इनिशियल मोमेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो है शॉर्ट्स का और रील्स का, जिससे लोग अपने शॉर्ट कंटेंट को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऐसा ट्रेंड कहता है। अगर पॉडकास्ट भी बनाते हैं तो उसकी क्लिप्स हम काट लेते हैं ताकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में व्यूज लेके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हमें रेवेन्यू देके जाए। तो हमें जरूरी है कि पहले शॉर्ट कंटेंट बनाया जाए, जैसा वर्चुअल साइपैक ने किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कंटेंट का टॉपिक क्या बनाए, किस नीच पे चालू करें। आप शॉर्ट केस स्टडीज, फाइनेंस टॉपिक्स के ऊपर अपने कैरेक्टर का ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात आती है तो फाइनेंस, हाउ टू वीडियोस और एनालिसिस रिसर्च वीडियोस आपके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल सही मैच करेंगी और एक टारगेटेड रेवेन्यू जनरेट करके देंगी, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, एक्शंस नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंटल, एंटरटेनमेंट, DIY, आउटडोर्स मैंने इसमें शामिल नहीं किए। वैसे आप एंटरटेनमेंट में इसमें
कुछ पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो बस एक्सप्रेशन बेस्ड होंगे। अगर मैं आपको एक हिंट दूं, आपको पोएट्री और सिंगिंग से प्यार है, शेरो शायरी तो आपके घर की खेती है, तो ये टैग आपके बहुत काम आएगी। और ना केवल अपने गानों को, आप एक नई शक्ल देंगे और एक नया ट्रेंड भी हो सकता है इंटरनेट के ऊपर। हो सकता है क्या? कमेंट करो। खैर, अब बात आती है प्राइस की। वैसे तो 14 दिन का फ्री ट्रायल है यहाँ पे, लेकिन महीने में अगर आपको 10 मिनट का कंटेंट बनाना है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे लगभग। इसलिए मैंने आपको कहा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ये ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं अगर आपने अच्छी नीश चुनी तो। कौन सी नीश चुनी जाए और कैसे रिसर्च किया जाए, वो दोनों ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे चाय पीते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन 15 मिनट हर महीने कंटेंट बनाना चाहते हो तो लगभग $50 देने पड़ेंगे, यानी 3,500 रुपए के आसपास हो जाते हैं। तो शायद वो इनिशियल डेज में एक एक्सपेंसिव ऑप्शन होगा, लेकिन अगर 10 मिनट आपको कंटेंट मिलते हैं 500 रुपए में तो ये ज्यादा अफोर्डेबल लगता है। वैसे हमने कुछ और अल्टरनेटिव्स को भी ट्राई किया, लेकिन हर अल्टरनेटिव का प्राइस इससे ज्यादा था और क्वालिटी इसके जैसी नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पैसे को हम वैल्यूएबल इस्तेमाल कर सके और इससे रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सके, तो आपको एक चीज शिद्दत से करनी पड़ेगी, वो है कंटेंट रिसर्च। जितना आप अच्छे से कंटेंट रिसर्च करेंगे, उतने ही आपके चांसेस हैं कि आपका जो 10 मिनट जो पूरे महीने में कंटेंट आने वाला है, एक एक मिनट का भी या 30-30 सेकंड का भी, वो वैल्यूएबल बने आपके ऑडियंस के लिए, जैसे वर्चुअल साइपैक ने किया। और अगर हमारा वो शॉर्ट कंटेंट अच्छा ग्रोथ पकड़ता है तो हम आगे के प्लान्स भी ले सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, कैसे इसको और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। लेट वाली वीडियो पे आपको AI से वेबसाइट कैसे बनाए वो मिल जाएगा, और सबसे क्रिएटिव और वायरलिटी फैक्टर के साथ कौन से YouTube चैनल आइडियाज हैं वो राइट साइड में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।